अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओ, लक्ष्मी को भी जान जावेंगे, जगदम्बा को भी जान जावेंगे, नारायण को भी जान जावेंगे, कृष्ण को भी जान जावेंगे, क्योंकि मेरे में नॉलेज है। उस नॉलेज से तुम्हारा कनेक्शन नॉलेज को बाप से होगा तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। ये एक जन्म की बात नहीं है, परंतु सत्य के आदि मध्यंत को मेरे द्वारा जान जाएंगे। परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। आत्माभिमानी बने तो ज्ञान की भी धारणा कर सकते। सारा कल्प तो देह अभिमान चला है, चतुर में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा को भूल जाते हैं, कौन? चतुर में जो देवताएं होते हैं वो भी जब इस शक्ति पर आते हैं तो बाप को स्वरूप को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं होती। ये परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। और उस सागर में एक बूंद है मन मना बूंद और मध्यादि। ये एक एक बूंद मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती, तो ये सब महिमा है। घी दूध की कोई नदियां नहीं होती है। घी दूध की नदियां मन सब सुखों से भरपूर सुख होता है, भरपूर दुनिया होती है। बाकी घी दूध की नदियां थोड़ी हो सकती है। ये भी महिमा कहां की है? सचिव की महिमा है, यह संगम की स्वर्ग की महिमा है। ये संगम की स्वर्ग की महिमा है। पहली की दुनिया में तो होती है विषय बेहतर नदी, लेकिन सतयुग में जो नदियां होती हैं वो विषय वैतरणी, उनको नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे घी दूध की नदियां। माने घी घृत, माने जिनमें असलियत भरी। कौन सी चीज की असलियत? एक बाप दूसरा न कोई, ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, कहा जाता है स्वर्ग। माना जहां सुख ही सुख हो, जहां दुख का नाम निशान ना हो उसे कहेंगे स्वर्ग। अगर कोई ज्ञान में चल रहा है और ज्ञान में चलने से उसकी स्टेज ऐसी बन गई है तो उसको दुख कभी भागता नहीं है, न वो दुख लेता है न वो दुख देता है। तो वो कहां है? नरक में है या स्वर्ग में? क्योंकि उसका वाइब्रेशन वायुमंडल ऐसा बना हुआ है, इसलिए कहेंगे कि वो स्वर्ग में। जैसे कृष्ण के लिए दिखाते है तो पीपल के पत्ते पर, और पीपल के पत्ते की नवैया भी कहां थी? विषय सागर। और ऐसी स्टेज में होते हुए भी कहां पड़ा हुआ है? गर्भ महल में आराम से अंगूठा पीस रहा है। तो गर्भ महल किस बात की सूचना देता कि वहां उसकी आत्मा को मन बुद्धि को किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। गर्भ महल में है माना सुख की स्टेज में, बल कितने भी विषय सागर के हिलोरे आ रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, देखने वाले समझ रहे हैं कि अब डूबा भी डूबा, ये नैया डूबी की डूबी, लेकिन उसको लेस मात्र भी संशय या अनिश्चय पैदा होने की बात पैदा ही नहीं होती। उससे क्या साबित हुआ कि जैसे वो आत्मा कहाँ पड़ी है? स्वर्ग में पड़ी, सुख की दुनिया में है, उसका वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ। ऐसी स्टेज हम बच्चों को भी बनानी है।